चमार जाति के इतिहास को आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोस्तों नमस्कार, चमार जाति के इतिहास को देखेंगे और चमार जाति के इतिहास में एक जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी आता है वो संत रविदास जी का आता है। संत रविदास जी बहुत ही बड़े शख्सियत हुए जो चमार जाति से ही बिलोंग करते थे, या यूं कहें तो चमार वंश से इनका ताल्लुक था। जो सिकंदर लोधी है, जो एक मुसलमान आक्रांता है, वो देश के अंदर आता है और मुसलमान आक्रांता जो ये देश के अंदर आता है तो इनमें एक समस्या ये होता है कि ये सिर्फ जो है वो यहाँ पे शासन व्यवस्था ही नहीं करते हैं, बल्कि शासन के साथ साथ जो है वो प्रशासन और प्रशासन के साथ साथ जो है धर्मांतरण जैसे चीजें भी, कुप्रथा यदि कहें तो कुप्रथा लेके आते हैं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में तो आज तक कभी भी जबरन किसी धर्मांतरण को सपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन ये जो सिकंदर लोधी है वो एक प्रकार से इस तरीके के धर्मांतरण को, जो फोर्सफुली कन्वर्जन कहते हैं, उसके ऊपर बहुत ही प्रभाव डाला करता था। इसका एक ये था कि हम कैसा भी करके लोगों को इस्लाम धर्म के अंदर ले आए, बहुत अच्छा बात है। चलिए, चमार जाति के इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है और चमार जाति के इतिहास के अंतर्गत जो है वो संत रविदास जी को नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं पढ़े, या कहें तो इतिहास को यदि समझना है, एक अच्छे इतिहास को समझना है तो आप संत रविदास जी के दोहे को कभी समय मिले तो जाकर पढ़िएगा, उससे बहुत सारे ज्ञान आपको मिलेंगे, ये वादा भी है और दावा भी है। तो सिकंदर लोधी जो है वो देख रहा है कि राजस्थान में एक संत है, फकीर है, जिसके अनुयायी लाखों हजारों की संख्या में है और वो चमार वंश से क्षत्रिय है, मतलब चमार वंश से ही वो बिलोंग करते हैं। इस बात से सिकंदर लोधी के मन में बहुत बड़ा जो है वो कुंठा फैला हुआ था। वो सोचता है कि क्यों ना ये संत रविदास जी को ही मिलाकर जो है और फोर्सफुली कन्वर्जन भी करवाकर किसी भी तरीके से इन्हें जो है इस्लाम धर्म में ले आया जाए, ताकि एक बहुत बड़ा जनसंख्या जो है, जन समुदाय जो है वो इस्लाम धर्म को मानने लगे। होता यही है कहानी कि सिकंदर लोधी जो है वो अपने सदन में एक बहुत बड़ा फकीर होता है जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं और उनका नाम होता है मुल्ला सदना फकीर, तो मुल्ला सदना फकीर को भेजते हैं संत रविदास जी से, वो मुलाकात करते हैं, कहते हैं साहब आप जो है वो इस्लाम धर्म में क्यों नहीं आ जाते हो इस तरीके के बात। तो संत रविदास जी एक दोहा लिखते हैं, आप वो दोहा खुद ही पढ़ लीजिए, वहाँ के सामाजिक व्यवस्था को पूरी रूप से जो है संत रविदास जी अपने शब्दों में व्याख्या किए हुए हैं। तो मुल्ला सदना फकीर को जो है वो संत रविदास जी जो बात कहते हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। सदना फकीर जो है वो खुद ही जो है वो इस्लाम धर्म को त्याग करके और सनातन परंपरा में आ जाता है और यहाँ पे अब संत रविदास भी है और मुल्ला सदना फकीर भी जो एक स्कॉलर है, अब ये दोनों मिलके जो है सनातन परंपरा के प्रचार में लग जाते हैं। और ये उस वक्त की बात है, आज की बात नहीं, ये इस्लामिक दौर की बात है, जो भारत में इस्लाम शासन में थे तो उस समय में ऐसा हुआ था। और जो है आज हम कुछ बुद्ध धर्म मानने वाले लोगों को देखते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर हमारे भाइयों को, जो चमार भाई हैं उनको जो है वो अपने धर्म में आमंत्रण देते हैं और कहते हैं आ जाओ, लेकिन वो लोग आते नहीं हैं। और इसके पीछे यही कारण है क्योंकि उन्हें इतिहास मालूम है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो चमार भाई हैं या जो चमार जाति से बिलोंग करने वाले जो दलित भाई हैं वो बातों को नहीं समझते हैं, बस सब आज पढ़े लिखे हैं, सब आज इतिहास को जानते हैं कि क्या है। तो जो होता है कि मुल्ला सदना फकीर स्वयं जो है सनातन परंपरा में आ जाता है और सनातन परंपरा में आने के बाद जो है वो ये दोनों प्रचार में लग जाते हैं, इससे घबरा जाता है जो है सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी एक दिन जो है अपने सैनिकों को भेज देता है कि जाओ इन दोनों को जो है बंदी बनाकर ले आओ। बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जैसे ही डाला जाता है तो यहाँ पे लाखों की संख्या में चमार वंश के क्षत्रिय जो है पूरे दिल्ली को घेर लेते हैं। और दिल्ली जब घेर जाता है तो होता क्या है यहाँ पे कि कुछ लोगों को, उनके अनुयायी को, जो चमार वंश के क्षत्रिय थे उनके अनुयायी को, रविदास के अनुयायी को जो है वो पकड़ के जो है कारागार में डाल दिया जाता है। ये सिकंदर लोधी के द्वारा होता है और उनसे जो है जबरन जो है चमड़े पिटवाए जाते हैं, घिसवाए जाते हैं, तरह तरह के जो है अत्याचार उनके ऊपर किया जाता है। और ये ऐलान कर दिया जाता है कि ये जो है चंडाल है, ये चंडाल है। तो
उसी दिन से जो है वो चमर वंश के क्षत्रिय जो एक राज क्षत्रिय समुदाय थे वो क्षत्रिय समुदाय को देखिए किस प्रकार से दलित समुदाय में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये इतिहास का एक सच्चा कड़ी है। जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो जो नीचे में कमेंट करते हैं गलत गलत कमेंट करते हैं, कहते हैं कि इसका क्या मतलब तथ्य है, भाई देखो जाके थोड़ा सा रिसर्च कर लो आप और पढ़ाई कर लो और देख लो कि हकीकत यही है। तो यही हकीकत है, तो ये इतिहास है। तो आशा उम्मीद करता हूं कि जो चमर जाति के इतिहास है और जो चमर वंश के क्षत्रियों के इतिहास है वो आज आप लोगों के समक्ष जो है स्पष्ट हो चुका होगा। मेरा काम इतना तक है, अब आगे आप लोग जो है इस बातों को फैला सकते हैं। हमारे चैनल पर नए होंगे तो आशा उम्मीद करते हैं जो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन भी दबाएंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो मुहिम है वो यदि आप समझते हैं तो मैं एक सही इतिहास बताता हूँ। कभी भी किसी भी दोहे मापदंड किसी भी अंश जो है वो स्यूडो सेकुलर का इतिहास नहीं बताता हूँ। जय हिंद, जय भारत।